ओम नमो नारायणाय नमः। आप सभी पर भगवान श्री नारायण की कृपा बनी रहे। आइए जानते हैं कि किस प्रकार के पुष्प को देवी देवता ग्रहण नहीं करते। सामान्यतः आपने देखा होगा, भगवान देवी देवताओं की पूजा बिना फूल के पूरी नहीं मानी जाती। तो चलिए जानते हैं, भगवान श्री हरि इत्यादि देवी देवताओं के लिए जो फूल है उसे निर्माल्य कहा जाता है, जो चढ़ाया जाता है। किसी भी प्रकार के पुष्प हों, सब पर ये नियम लागू होते हैं। जैसे कि सूंघा हुआ फूल, ये देवी देवता को नहीं चढ़ाया जाता। अंग में लगाया हुआ नहीं चढ़ाया जाता। भौरा सूंघ ले तो वो दूषित नहीं होता, वो चढ़ाया जाता है। अपवित्र बर्तन में रखा हो या अपवित्र अवस्था में तोड़ लिया गया, वो भी फूल नहीं चढ़ाया जाता। अपवित्र स्थान में उत्पन्न हो, जैसे गंदगी इत्यादि में, उस पेड़ का फूल भगवान को ना चढ़ाएं, देवी को ना चढ़ाएं। जो आग में झुलस गया हो या कीड़ों ने उसे खा लिया हो, देखने में सुंदर ना हो, कहीं छोटा बड़ा हो गया हो, इस तरह का फूल भी देवी देवताओं को ना चढ़ाएं। जिनकी पंखुड़ियाँ खराब हो गई हों, जो धरती पर पृथ्वी पर गिर पड़ा हो, जो पूरा ना खिला हो, जिसमें गंध आती हो, बुरी गंध हो, ऐसे फूल को भी देवी देवताओं को नहीं चढ़ाना चाहिए। फूल बाएं हाथ से भी नहीं चढ़ाना चाहिए, दाहिने हाथ से चढ़ाना चाहिए। और जो अंगूठे की बगल वाली उंगली है उसे बिना लगाए हुए चढ़ाना चाहिए। अनामिका, मध्यमा और अंगूठे को लगा कर के ही फूल चढ़ाना चाहिए। आक और ऋण के पत्ते में रख कर के लाए गए फूल, वो भी ऐसे फूल नहीं चढ़ाए जाते। कलियों को तोड़कर चढ़ाना मना है, लेकिन कली रूप में कमल को चढ़ाया जा सकता है। फूल फल और पत्ते जैसे उगते हैं उन्हें वैसे ही चढ़ाना चाहिए, मतलब जिस तरह से पेड़ में हो वैसे ही चढ़ाना चाहिए। और उत्पन्न होते समय इनका मुख ऊपर की ओर होता है, इसलिए ऐसे ही चढ़ाना चाहिए, इनका मुख नीचे की ओर ना करें। दूर्वा और तुलसी दल को अपनी ओर करके चढ़ाना चाहिए, अपनी ओर मुख रहे उनका जो भाग है आगे का। बिल्व पत्र को नीचे करके चढ़ाना चाहिए। इनसे भिन्न पत्तों को ऊपर मुख या नीचे मुख दोनों प्रकार से चढ़ाया जा सकता है। जो और पत्ते हैं उनकी बात कर रहे हैं, और जो बिल्व पत्र है वो जो चिकना भाग है वो शिवलिंग पर चिपका होना चाहिए, तुलसी को अपनी तरफ करके। और साथ ही साथ दूर्वा को गणपति को चढ़ाते समय अपनी ओर करना चाहिए। दाहिने हाथ से करतल को उत्तान कर मध्यमा, इन तीनों को लगाकर अंगूठे की सहायता से चढ़ाना चाहिए। अगर आप तर्जनी लगा देते हैं, जो अंगूठे की बगल वाली उंगली है, तो आपको फूल चढ़ाने का कोई फल नहीं प्राप्त होगा। चढ़े हुए फूल को अंगूठे और तर्जनी से उतारें, क्योंकि वो उतार रहे हैं, चढ़ा नहीं रहे हैं। तो ये छोटी सी जानकारी आप सभी तक पहुंची। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री हरि।